बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। चुलबुल पांडे का मुकाबला। क्या चुलबुल पांडे की कमजोरी को बनाया गया है टारगेट? क्या चुलबुल को छोड़नी पड़ेगी पुलिस की वर्दी? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अब ये गाना गाने के बाद आपको पता ही होगा कि किसकी एंट्री होने वाली है। जी हाँ, हमारे चुलबुल पांडे जी की, जिनका हर बच्चा बच्चा दीवाना है। पर अब इनकी कहानी में और जिंदगी में आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि अब इनकी कहानी में इनके बच्चे को ही बनाया जाएगा टारगेट। जिस तरह दबंग 3 में हमने देखा कि सोनाक्षी यानी रज्जो और चुलबुल का एक बेटा होता है और अब वो स्कूल भी जाता है, तो फिर उसे टारगेट बनाकर दुश्मन चुलबुल से अपना काम करवाएंगे। एक दिन चुलबुल अपने काम पर निकलता है और वो स्कूल के बाहर अपने बेटे को ड्रॉप करता है और आगे निकल जाता है। पर जाते टाइम उसे कुछ आदमी स्कूल पर नजर रखे हुए दिखाई देते हैं, पर वो इग्नोर करते हुए चला जाता है। वैसे चुलबुल का बेटा एक ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, वो 5th क्लास में पढ़ता है। उसकी क्लास टीचर मिसेज रीना भी काफी खुश होती है। फिर दूसरी ओर दबंग को खबर मिलती है कि इस शहर का एक फेमस स्कूल हाईजैक किया गया है और ये वही स्कूल है जहां उसका बेटा पढ़ता है। रज्जो को ये बात पता चलती है और वो चुलबुल से मिलने जाती है। चुलबुल स्कूल पहुंचता है तो वहां पर हाईजैकर्स चुलबुल का इंतजार कर रहे होते हैं। चुलबुल उनसे कहता है कि बच्चों को छोड़ दो, वैसे तुम किसके आदमी हो मुझे तो पता ही नहीं, पर बच्चों को परेशान मत करो। चुलबुल का बेटा चुलबुल को देखकर पापा पापा कहकर चिल्लाने लगता है। फिर हाईजैकर हंसकर उससे सिर्फ यही कहता है कि तेरा बेटा पढ़ता है ना यहाँ पर, मतलब हम उसे छोटा चुलबुल कह सकते हैं ना, और जोर से हंसने लगता है और धमकाता है, चुलबुल पांडे है तुम बस हमारा काम कर दो वरना तुम्हारे बेटे के साथ साथ सारे बच्चों को मार दूंगा। फिर चुलबुल कहता है कि मुझे क्या करना होगा। हाईजैकर कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर चुलबुल को समझ जाता है कि ये किसी पॉलिटिशियन की और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की मिलीभगत है, इसलिए तो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि चुलबुल ने अभी तक कई पॉलिटिशियन का पर्दाफाश किया था और बाली सिंह नाम का उसका पुराना दुश्मन जिसका उसने खात्मा किया था वो भी पॉलिटिशियन का खास आदमी था, उसके हाथ में पावर थी, पर चुलबुल ने उसे मार दिया। फिर चुलबुल तैयार होता है और कहता है कि ठीक है मैं अपनी वर्दी निकालता हूँ। वो गन नीचे रखता है, वर्दी निकालता है, तब शुरू होता है असली ड्रामा। चुलबुल फिर मजाकिया अंदाज में कहता है कि वर्दी उतारी है ताकि तुम लोगों की धुलाई कर सकूं, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, एक आदमी स्कूल पर नजर रखा था वो मैंने देख लिया था, इसलिए पहले से ही हमारी टीम को मैंने तैयार रहने बोला था। और फिर पुलिस की टीम इन हाईजैकर्स पर अटैक करती है और एक एक को मारती है। फिर चुलबुल का एक्शन शुरू होता है और एक एक करके हाईजैकर्स को मारकर उन्हें पकड़ लिया जाता है। अब उनका आगे क्या होगा ये तो सिर्फ चुलबुल तय करेगा, पर उन्हें हाईजैकर्स का मेन आदमी चुलबुल से जाते जाते कहता है खेल खत्म नहीं हुआ है चुलबुल पांडे, खतरा अभी भी है। पर चुलबुल उस पर हंसने लगता है। फिर चुलबुल स्कूल के प्रिंसिपल से कहता है स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। अब आपको लगेगा कि कहानी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है, तो इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि हाईजैकर तो पकड़े गए हैं पर अभी भी उस स्कूल में कोई है जो चुलबुल के बेटे के लिए खतरा है, और वो कौन है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।